सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड जो आज का वीडियो है वो है हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन बैक एंड स्प्रिंग। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बैक एंड स्प्रिंग के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक थोड़ा वार्म कर ले हैंड्स के, जिससे जिससे आपके हैंड वगैरह फ्री हो, ठीक है। एंड उसके बाद एक ब्रिज कर ले, आई मीन बैक ब्रिज, उससे गाइस क्या होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बढ़ेगा, आपके बैक एंड थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, खुद ब खुद आएगा, वो भी जरूरी है गाइस। अब आते हैं बैक एंड स्पीड बढ़ाने की टेक्निक पे। तो नॉर्मली करना क्या आपको, ठीक है, एक सिंपल सी बैक एंड आपको पता है कैसे करनी है गाइस। मैं उसका टोटल बनाया है, उसे अगर आपको मतलब फुल डिटेल में देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, हाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी स्पीड की बात है, ठीक है, इसमें करना क्या गाइस आपको, एक सिंपल सा मतलब अपना हैंड तक फेंकने हैं, ठीक है। अच्छे पास आपके हैंड जब नीचे जमीन पर टच होते हैं वहाँ से जमीन को करना होता है पुश, एंड जो अपने लेग्स होते हैं लेग्स से हॉप लेना पड़ता है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेगा ये हॉप लेना, पुश करना, ठीक है। तो आपको ट्राई क्या करना है, एक बैक हैंड स्प्रिंग, ठीक है, तो उसको थोड़ा स्लो में करें, आई मीन एक बैक हैंड स्प्रिंग मारे वहाँ से हल्का थोड़ा स्टॉप हैंड में, मतलब फ्रीज आपका बॉडी वेट जो है थोड़ा हैंड में 0.1 मतलब 1 या 2 सेकंड रुके, ठीक है। फिर वहाँ से लेग से हॉप ले, एग्जाम्पल नॉर्मल सपोज रहे ऐसे स्विंग करके बॉडी वेट हैंड पे पूरे 1 2 3। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपको मतलब समझेगा कि हॉप की टेक्निक क्या है, पुश का टेक्निक क्या है, तो ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो गाइस आपको जैसे मैंने बताया अभी कि एक हैंड स्विंग करना है जो स्लो हो, ठीक है, उसमें मतलब आपका बॉडी वेट हैंड पे है एंड एक हॉप अपने पैर से। तो गाइस अभी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, आपको करना क्या है उसी में वही जो मतलब सेम जैसे किया अपन ने उसमें थोड़ा स्पीड में करना है। इसमें क्या होगा आपका बॉडी वेट हैंड पे आएगा नहीं एंड पुश कर नहीं पाएंगे एंड हॉप ले नहीं पाएंगे, तो आपको मतलब थोड़ा माइंड में सेट करना है कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ, ठीक है। तो फास्टली हैंड को फेंकना है, फास्टली पुश करना है एंड हॉप लेना है, ठीक है। इसी को मतलब कंटिन्यू करो। एंड अभी देखो एक सिंगल हैंड स्विंग अपने कर लिए, हॉप समझ गया और फेंकना समझ गया, पुश समझ गया, इससे अगर आपकी इसमें बैक हैंड स्विंग कंफर्म है कि स्पीड आएंगी, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या, अभी कंटिन्यू वाले बैक हैंड स्विंग में, ठीक है, जैसे कि अगर एक बैक हैंड स्विंग मारे जिसके मतलब सिंगल तब तो आ गई स्पीड में, जो सेकंड आएंगी तो देखो जैसे कि अगर एक हो गई ये अपना भी सेकंड का मतलब पोजीशन है, ठीक है। आपके हैंड यहाँ पे अपने पुश किए, पैर से हॉप किए, फिर यहाँ से जो हैंड है ट्राई करें कि यह हैंड सिर्फ पीछे जाए, मतलब आपका बॉडी वेट सीधे पीछे इतना, मतलब जैसे कि सो ही जाओ जमीन में। अब अगर बैक हैंड स्विंग मारते हो ना आपकी बॉडी का मतलब कंट्रोल इतना कंफर्म होगा कि आपकी बॉडी मतलब पीछे फेंकना है और बैक बेंड करके बैक हैंड स्विंग कर ही लेना, ठीक है। क्योंकि स्पीड मतलब एक राउंड अप लेना, राउंड अप कैसे है क्या, उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता और रनिंग मिल जाती है एंड स्पीड थोड़ा इजी पड़ेगा शुरुआत के लिए, ठीक है। तो बस एक हल्का सा राउंड अप लेना बैक हैंड स्विंग में, थोड़ा स्पीड पहले इसमें, सेकंड इसमें बस बैक सो जाना है खुद को कि जैसे आप सो गए ना तो आप कंफर्म है कि आप पलट जाओगे, एंड हाथ पे अगर प्रेशर आया तो पुश कर देना है, हॉप कर देना है। तो बस वही कंटिन्यू पुश करना है, हॉप करना है, पुश करना है, हॉप करना है। तो डेली करें प्रैक्टिस, कंफर्म आएगा। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, बैक हैंड स्विंग स्पीड कैसे लाए। तो गाइस मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, जाके बस सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। एंड ये वीडियो को गाइस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड तब तक के लिए बाय।